दोस्तों, इंसान की सोच के लिए एक कानून बनाया गया है, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इंसान की सोच की रक्षा के लिए चिली में एक कानून पास कर निजी पहचान, इच्छा और मानसिक निजता को अधिकारों का दर्जा दिया है। ऐसा करने वाला चिली दुनिया का पहला देश है और न्यूरो टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल कर कुछ करवाना इस कानून के तहत अपराध होगा। और विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी को नियमित नहीं किया गया तो ये इंसान की सोचने की आजादी के लिए खतरा बन सकती है। और अगर ये टेक्नोलॉजी सोचने से पहले ही दिमाग पढ़ने में सफल रहती है तो ये ऐसी संभावनाएं पैदा कर सकती है जो वास्तव में है ही नहीं। और इसके अलावा ये दिमागी प्रक्रिया का विश्लेषण कर उसमें हेरफेर करने की ताकत भी रखती है। अमेरिकी रक्षा विभाग ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसका इस्तेमाल यादों को बदलने में हो सकता है। दोस्तों, इंसानों की सोच पर बनाया गया कानून के बारे में आपकी क्या राय है? हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।